आप सोच तो बहुत बाजी लगा, कितने बाजी मैंने लखनऊ भी लेके गया इसको दिखाने। तो इससे डॉक्टर बोले कि मतलब इसके इलाज मत करो, ये नहीं बोल पाए, जो बचपन से है पैदाइशी है वो कहाँ बोल पाएगा। ये दिमाग जो है काबू में नहीं थे, अपने मन के जो है कहीं इधर चले जाते हैं किधर चले जाते थे। दिक्कत यही रही पहले कि न बोलत रही न चालत रही न कुछ खात रही न पियत रही, अपने बूते खवाइत रहा, यही टट्टी पेशाब कर रही, हर चीज अपने बूते करित रहा। सर कितना बच्चा है स्कूल में आज? नहीं, नामांकन कितने बच्चे? नामांकन 116 बच्चे हैं। और आज स्कूल में कितना बच्चा है? आज 45-50 के आसपास हैं। आप में से कितने लोगों को मालूम है शिक्षा का अधिकार कानून बना है? हाथ खड़ा करिए जिसको भी मालूम है। 6 से लेके 14 वर्ष का है उसको, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है कि उसको अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मतलब नामांकन जरूर कराए क्योंकि सरकारी मान्यता होती होती है, लेकिन बच्चों को प्राइवेट पढ़ाते हैं। बच्चे ने कहीं यहाँ सुविधा हर हुई कि हमका पढ़ाई लिखाई हर चीज खूब बढ़िया बाकायदा से मिलत है, तो खुद हम सभी अपने बच्चन का खेत के यहाँ तकाई थे डंडा लेके खेत के कि बच्चे पढ़े जरूर जाओ। 5 किताब मिला था बच्चन का ना स्कूल में, लेकिन 5 किताब में कई किताब की पढ़ाई कर मास्टर साहब तो उन बताओ यहाँ सब लोग। ये जो अध्यक्ष जी हैं और जो इनके समुदाय के जितने भी लोग हैं इसको आगे क्यों नहीं देखते हैं? यहाँ सबकी जरूरत है, सबके बच्चे यहाँ शिक्षक होते हैं, बस सबको शिक्षा की जरूरत है। लेकिन ये बात है जो कि यहाँ पढ़ाई ढंग के नहीं होते, एक मास्टर है उधर बैठे हो बच्चे का मारते हैं डांटते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं जानते। कोई 5 मिनट का टाइम ही नहीं है कि स्कूल बॉय फालतू आई। मेरे स्कूल में बाउंड्री नहीं है और मेरे स्कूल में इतने छोटे छोटे बच्चे स्कूल में आते हैं कि जानवर जो है वो हार के जानवर तब घूम करके जा करके स्कूल में हावी हो जाते हैं, तो बच्चे भाग भाग करके स्कूल में लुकाते हैं इधर उधर। जैसे हम लोग गरीब हैं तो हम लोग प्राइवेट ना पढ़ाई पीवे, फीस दे के हम लोग ना पढ़ाई पीवे, जी का खाना ना टी तो कहाँ बच्चे का प्राइवेट पढ़ाई दे। लेकिन तो माँ इतना वो है कि सब कोई सहयोग कीजिए तो मास्टर भी पढ़ाई लिखाई कायदे से करेंगे। प्रजायत्न के माध्यम से जानकारियाँ मिली कि कैसे बच्चों को क्या क्या सुविधाएं दी जानी चाहिए या कैसे विद्यालय को की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जब मीटिंग की मीटिंग के बाद में हम लोगों को जानकारियाँ मिली, बच्चे थे विकलांग लेकिन जब उनके बारे में जानकारियाँ नहीं थी तो लोग उन पर ध्यान नहीं देते थे, और जब प्रजायत्न द्वारा हमें जानकारी हुई तब उनको उन बच्चों को खोजा गया, उनको विद्यालय लाया भी गया। आज के विकलांग बच्चों को हम अपने घर में बिठा रखें, उनको आगे न बढ़ने दें या न बढ़ा पाएं तो समस्या जो कितनी बनी रहेगी। तो जब ये स्कूल जात रही तब सब लड़कन का मारे कहूँ का खरियादे कहूँ का खरियादे मारे हंसे ख्याल है, तक धीरे धीरे जब सबसे व्यवहार होगा है तो बढ़िया हमें जात है पढ़ा था लिखा था। छोटी वाली तो उसी के साथ में इसको हम भेजने लगे स्कूल को जाने लगे, और जब स्कूल भेजने लगे तो वहाँ मतलब इसका पहचान बना, दोस्ती बना इसका।
हमें मालूम नहीं था कि इस तरह के बच्चों को भी स्कूल में जाना होता है सर। केवल दो शिक्षक हम लोग और 157-147 ऐसे बच्चों का स्कूल था। प्रजायत्न है, इससे उसकी मतलब पहचान की गई कि अगर इसको सामान्य बच्चों के साथ में पढ़ाएंगे तो इस बच्चे पे भी सुधार हो जाएगा। तो सारे बच्चों को अब देखा जाए किसका बच्चा किस तरह का है, इनको भी उसी मुख्य धारा से जोड़ा जाए। यास्मीन है वो 5 में है लेकिन 1 वाले का ही कुछ सीख रही है, सीख तो रही है उसे। इस रजिस्टर में आप जो महीने में मीटिंग करते हैं ना, आप इस रजिस्टर में खाली लिख दीजिए कि भाई ये चीज़ सही चलेगी और ये चीज़ सही नहीं चलेगी। सर हम लोग समुदाय की समस्याएं सुनते हैं, समुदाय हमारी समस्या सुनता है। मान लीजिए पहले हमारे स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं थी, अब कम से कम हमने गांव वालों के सामने ये समस्याएं भी रखी, प्रधान जी भी आए मीटिंग में, कई मीटिंगों में प्रधान जी को भी बुलाया जाता है। फिर अब वो लोग जब मीटिंग में आ रहे हैं, अब सब तरह के मुद्दे जब उठने लगे तो उन्हें थोड़ा इंटरेस्ट भी हुआ, फिर उन्हीं समस्याओं में वो लोग अपना अपना मत भी देने लगे कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, हर चीज़ में प्रधान जी को भी मशवरा देने लगे वो लोग बैठ के। आज खुद गार्जियन की भी जिम्मेदारी है कि अपने अपने बच्चों को समय से भेजे। अब स्कूल के विकास होना चाहिए और विकास पर हर व्यक्ति के ध्यान देते हैं। सबको हमारा सबका धर्म ये है कि अपने बच्चे या किसी के बच्चे को यहाँ स्कूल में भेजवाएं। अगर कुछ हम लोगों से कुछ शिकायत है, गलती है कुछ है तो आप उसकी शिकायत हमको से कर सकते हैं कि आप लोग इसमें सुधार लाइए। हम फर्क ये जब से ये स्कूल जाने लगी है ये, तो इसका जो है रुपया में 4 आना फ़र्क बहुत आ गया, फ़र्क आ गया मतलब सही हो गया। तमीज़ से बात करने लगी मम्मी पापा, हर चीज़ कोई भी रास्ते में जाता है तो कहता है दादा खाना खाया, कहाँ किधर जा रहे हो दादा, बहुत प्यार से बोलती है ये। और जब प्यार से दूसरे से बोलने लगती है तो उसका मतलब मोहब्बत बढ़ती है कि ये तो बच्ची छोटी सी बच्ची है और कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रही है ये। मुझे लगता है ग्राम पंचायत विकास की धुरी होती है और शिक्षा उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अभिनंग है, क्योंकि जो बच्चे हमारे आज तैयार हो रहे हैं यही बच्चे हमारे कल के विकास के लिए विकास को आगे बढ़ाएंगे। और उसके लिए पंचायत की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि सारे बच्चों को पहली बात शिक्षा से जोड़े। पहली मीटिंग में मुद्दा उठाया गया दिव्यांग बच्चों की संख्या दोनों आंगनबाड़ियों से ली गई तो उनका रजिस्ट्रेशन करवाना, कुछ तो अभिभावक ले गए कुछ नहीं ले गए तो हमारे द्वारा वहां पहुंचाए गए। प्रजायत्न का यही एक वो था कि कम से कम पढ़े और ये भी समाज में जिए जैसे सामान्य लोग जो है पढ़ते लिखते हैं, तो इन्हें भी जो है पढ़ने लिखने का मौका मिले। हाँ दोस्तों बहुत बने हैं अब, अब बन गए, सब खुश रहते हैं। मास्टर वहाँ लड़का भी खुश रहते हैं, मास्टर भी खुश रहते हैं। सन की मटकी सामान भी लाता है और लाइटिंग भी हो आता है, स्कूल भी चला जाता है, पेन भी पकड़ने सीख लिया, थोड़ा बहुत गोली भी बना लेता, मतलब लिख नहीं पाता साफ साफ वो गोली बना लेता है। आसपास के लोग बोलते हैं देखो लेके गए इतना दौड़ा धूप किए, देखो बच्चे में बहुत सुधार आ गया। दो एक बच्चे हमारे गांव के और हैं वो हमारे साथ भी जाने लगे, उनको भी सुधार आ गया। ग्राम पंचायत में शिक्षा के विषय में आज दिनांक 9 में जो आगे की शिक्षा की कड़ी जोड़ना है, जिसमें आगे जो काम करवाने हैं उसके विषय में चर्चा करना। भाई हमारी जिम्मेदारी जितनी हम हैं आपकी जितनी जिम्मेदारी, आप अपनी जिम्मेदारी भूल गए। जब हर आदमी जिम्मेदारी अपनी निभाएगा तो कोई कमी नहीं रह जाएगी। और हर घर में हर बच्चों को कह के आता हूँ कि अपने बच्चों को स्कूल आप भेजिए, पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी, बच्चा स्कूल आए यदि उसमें सुधार नहीं आता है तो आप हमको जो है बताइए। विद्यालय प्रबंधन समिति जो गठित हुई
वो अभिभावक माता पिता सदस्य बनाए गए कि विद्यालय में सहयोग करेंगे, बच्चों का 100% नामांकन है, उपस्थिति है ना, बाकी विद्यालय में अध्यापकों का सहयोग करेंगे। इसमें देखिए 150 बच्चे नामांकित हैं और जिस दिन हमने ये डेटा लिया था सर से उस दिन 98 बच्चों की उपस्थिति थी। वो बच्चे कौन से हैं वो हम आपको नाम बता रहे हैं। जैसे एक राहुल करके है, ये बच्चा अस्थि दिव्यांगता है, इसको पिताजी के नाम शिशुपाल आया क्या नहीं, वो तो बाहर बोल पाती है नहीं, बस बोलती है मतलब भाका नहीं फूटता इसका, बोलती भाका नहीं फूटता है, साफ नहीं है ये। 3 महीने में बैठक बुला के उनको बताया जाए कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये अध्यापकों से घर के गार्जियनों का विमर्श कराना भी जरूरी है कि समय समय पे गार्जियन भी आए। मैं मेरे विद्यालय में मैं हूँ और मेरे सहायक अध्यापक हैं, कोई स्टाफ नहीं है, किसी भी तरह से अगर 2 लोग और मिल जाए दावा कर सकते हैं कि मतलब जो भी प्राइवेट स्कूल खुले हैं हम वहाँ पर नामांकन कम करवा देंगे। वो रैंप नहीं विकलांगों के लिए रैंपदार बनवाया, वो टट्टी घर भी बनवाया, ये आप लोगों की जो है प्रजायतन की जो है सलाह से है प्रधान को किया। ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है नहीं है कि स्कूल का वही सुरक्षित रखें, सहयोग दें मास्टरन का, साथ साथ हमें एक मास्टरन की कमी है हमारे यहाँ विद्यालय में, 2 ही मास्टर हैं, 114 धोखा बच्चे हैं। और गांव की शिक्षा समिति, प्रबंध समिति का भी सहयोग अच्छा रहा। विद्यालय स्तर में जो भी कमियां थी हमने बताया, जैसे बाउंड्री वाल नहीं थी। इसके बाद ग्राम पंचायत की ओर से 14वें वित्त आयोग से जो पैसा मिला उसका आदेश हुआ, उसके आदेश के तहत जो है प्रधान जी ने बाउंड्री बनवाई और गेट, बढ़िया सा गेट लगवाए। ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से हम अपनी इन समस्याओं को ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मीटिंग से सहभागिता बढ़ती है, लोगों को जागरूकता जरूर मिलती, हमारे सदस्यों को भी कुछ विद्यालय से अच्छाइयाँ मिली, तो वो हमको आप जब हम अगली मीटिंग रखेंगे तो उसमें हमें उनको इंगित करते हुए, अच्छाइयों को इंगित करते हुए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। हम सोच रहे हैं कि ये स्कूल आज हम बैठे हैं, हमारा है, हम देख रहे हैं, कल कोई व्यक्ति देखेगा तो है तो ये सबका। प्रधान है जिसको लोग सम्मान दृष्टि देखते हैं, यदि वो लोग लोगों को मोटिवेट करें, यदि लोगों को मोटिवेट करेंगे वो लोग तो निश्चित रूप से सारे बच्चे विद्यालय जाएंगे और ये शिक्षा समिति हमारी जागरूक रहेगी तो जरूर विद्यालय में अच्छी पढ़ाई होगी और वो पढ़ाई से ही हमारे देश का, हमारे गाँव का विकास होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य है तो मनुष्य अपना जीवन यापन कर सकता है।